चुनाव के दौरान और नामांकन की प्रक्रिया में लोकतंत्र के अनेकों रंग देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा वाराणसी के जिला मुख्यालय पर देखने को मिला, जब अर्थी पर सवार होकर एक युवक नामांकन करने पहुंचा। अर्थी बाबा के नाम से मशहूर यह युवक गोरखपुर का निवासी है और वाराणसी संसदीय सीट से पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए नामांकन करने पहुंचा। गोरखपुर के रहने वाले राजन यादव अर्थी पर सवार होकर वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन करने जिला मुख्यालय पहुंचे। राजन ने बताया कि उन्होंने अपना चुनाव कार्यालय महाशमशान में खोल रखा है और सरकार की नीतियों के खिलाफ अर्थी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी सीधी टक्कर है, क्योंकि उन्होंने देश में कोई विकास नहीं किया, केवल लोगों को बरगलाने का काम किया है। ऐसे अंदाज में नामांकन करने वाले सहज ही आपको देखने को मिल जाएंगे, पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सीधा ऐलान करने वाले अर्थी बाबा का नामांकन स्थल पर चर्चा काफी जोरों पर है। वाराणसी से कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। मैं राजन यादव और पार्थी बाबा MBA गोरखपुर से रहने वाला हूं। मैं यहां वाराणसी में चुनाव लड़ने आया हूं। आज मैं पर्चा दाखिला मोदी जी के खिलाफ कर रहा हूं। मैं भारत का सबसे बड़ा समाजसेवी हूं। मैंने बहुत सारे नदियों में आंदोलन किए हैं। मैं अर्थी पे बैठ के ही आंदोलन और सारे कार्यक्रम करता हूं। मैं जब भी अपना चुनाव कार्यालय खोलता हूं, शमशान घाट पे ही खोलता हूं, तो सब कोई सोचता है कि ये अर्थी लेके ही क्यों करता है। अर्थी सत्य की प्रतीक है। अर्थी ये उसकी अर्थी है जो हमारी सरकार की सिस्टम की अर्थी है, सरकार की व्यवस्था की अर्थी है, सरकार की नीतियों की अर्थी है। ये जो सो भी सरकार है, ये गरीबों की दुश्मन की सरकार है। आज गरीबों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। यहाँ तक कि गरीब आदमी रसोई गैस के चक्कर में अकाउंट खुलवा लिया, अकाउंट में जितने बैंक वाले हैं मिनिमम ट्रांजेक्शन दिखा के उनका पूरा पैसा खा गए। सब्सिडी आई नहीं, गैस का दाम 450 से 1000 रुपया हो गया। आज हमारे देश में गरीब आदमी फिर से चूल्हे पर खाना बना रहा है, चूल्हे पे ही। आज जो लड़कियाँ हैं ये पढ़ नहीं रही हैं। आठ पढ़ने के बाद सब लड़कियाँ अपना स्कूल छोड़ रही हैं, क्योंकि लड़कियों को 8 तक फ्री है, उसके बाद उनको ड्रेसेस खरीदने पड़ते हैं। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो छोड़ ही दीजिए, प्राइवेट तो पूरी डकैती है। सरकारी स्कूल में ड्रेस खरीदना पड़ता है अपने घर से, किताब कापी खरीदना पड़ता है, फीस जमा करना पड़ता है, तो शुरुआत में ही 1000 रुपया लग जाता है, जो कि गरीब के पास नहीं है। इसलिए गरीब की लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती। गरीबों, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड इन्होंने नहीं दिया। सैनिटरी पैड का अक्षय कुमार ने प्रचार तो पूरे देश भर में ढिंढोड़ा पीट दिया, ये है वो है, लेकिन किसी को सैनिटरी पैड फ्री में नहीं मिला। आज अर्थी पे इसलिए उठाने को मैं मजबूर हूँ क्योंकि आज देश की महिलाओं की अर्थी निकल रही है, क्योंकि महिलाओं को कोई सुविधा नहीं निकल रही है मिल रही है, उनको दवाइयाँ तक नहीं मिल रही है, CSE पर उनको कोई सुविधाएँ नहीं है। आज भारत में स्टूडेंट छात्र एकदम समझ लीजिए बेरोजगारी की अर्थी निकल चुकी है। आज देश में गरीबों की अर्थी निकल चुकी है, ये सरकार की नीतियों की अर्थी निकल चुकी है। आज आप क्या करने आए हैं? आज मैं यहाँ पर्चा भरने आया हूँ, यहाँ मैं पर्चा दाखिल करूँगा। ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह से, पिछले बार भी मेरा पर्चा खारिज किया गया था कि इस बार भी पर्चा कैसे खारिज कर दिया जाए। यहाँ तक कि मेरे प्रस्तावकों को भी गिरा पुरा के सब लोग वो डराते रहते हैं ताकि भाग जाते हैं। समझ लीजिए ये देश पे बड़े बड़े नेता ये सब हावी हैं, ये सिर्फ लूटने के लिए जा रहे हैं, अपना कपड़ा नया नया बदलते हैं, बाकी जनता का कोई लेना देना नहीं है। आज हमारे बनारस में मैंने देखा कि सारा रोड जाम है, सड़क के किनारे कचरा पड़ा हुआ है, कोई भी नाली कोई भी जाम से मुक्त नहीं, सफाई नहीं है। यहाँ तक कि नदी जो गंगा नदी है वो समझ लीजिए अभी भी कचरा बह रहा है, पूरे नगर निगम का हो चाहे कोई भी हो, यहाँ भी आज भी कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है। न सफाई के नाम पर पूरा देश में ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन बनारस में खुद ही नहीं सफाई है, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है। आज मैं अगर चुनाव जीतता हूँ, बनारस नहीं पूरे देश में इसका काम होगा। आज झूठ में बुलेट ट्रेन के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है। आज समझ लीजिए सैनिकों के नाम पे वोट मांगा जाता है, सैनिक को खुद ही सुविधाएं नहीं जाते थे। आज भारत के जो भी सैनिक है, चाहे पैरामिलिट्री के सैनिक है, ये अधिकारियों के घर चपरासी का काम करते हैं, अधिकारियों की बीवी इनको यहाँ कपड़ा धुलवाती है, सब्जी मंगवाती हैं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेताओं के घर जो सैनिकों की ड्यूटी लगी है उनको चारपाई तक ये नहीं देते हैं, खड़े खड़े वो रहते हैं, सोने तक नहीं देते हैं, उनको कोई सुविधाएँ नहीं दी जाती है। ये लोग समझ लीजिए इनको हरवाह बना के, ये चपरासी बना के रखे रहते हैं और देश की बात TV पे बात करते हैं, ये वो। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री कोई सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं, पेंशन तक पैरामिलिट्री वाले खा गए। पुलवामा में जो भी कांड हुआ वो सरकार जिम्मेदार है, ये लोग दूसरे पे उड़ा के अपने को देश हित बनते हैं। अगर इतना इनकी सुरक्षा में एक सैनिक मारा जा सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आपने वाराणसी
चुनाव लड़ने के लिए बनारस इसलिए चुना क्योंकि सबसे पहले मोदी जी को हराना है, इसीलिए देश का विकास होगा। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में कितने सीटें आती विधानसभा? बनारस में 5 विधानसभा है और ये 5ों विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। ये तो 5 बार भी नहीं आए होंगे, समझ लीजिए जितने बार आते हैं अपना पानी पीते हैं वही। इनके कार्यालय पर मैंने चस्पा किया था, मणिकर्णिका हरिचंद घाट तक जैसे कुछ काम नहीं हुआ था। मैं कुछ अभी वर्षों पहले मैं आया था तो इनका कार्यालय बंद मिला था, तो उस दिन मैंने इनके कार्यालय चस्पा भी किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत काम हुआ। यहाँ पर समझ लीजिए बिना अर्थी बाबा का बनारस का कोई कल्याण नहीं है, पूरे देश का कल्याण नहीं है। और सुन लीजिए, हमारे भारत के स्टूडेंट बेरोजगारी से मर रहे हैं, जो भी सरकारी नौकरियाँ हैं इनको आउटसोर्सिंग में किया जा रहा है, नौकरी ये देना नहीं चाहते। यहाँ तक कि आरक्षण के जो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं वो तो इनको वोट देंगे ही नहीं, यहाँ तक कि जो आरक्षण विरोधी हैं वो भी इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब नौकरी निकलेगा ही नहीं तो पाएंगे कहाँ से। और आउटसोर्सिंग से ये समझ लीजिए 18,000 रुपया इनके ठेकेदार लेते हैं। और 5 मैं बनारस में अर्थी पे ही प्रचार करूंगा और अपना शमशान घाट पे, हरिश्चंद घाट पे मैं अपना चुनाव कार्यालय बनाऊंगा। अभी तो देखना है ये मेरा पर्चा क्या करते हैं, क्योंकि इनको तीत लग गया है कि अर्थी बाबा आया है, जनता का काम करता है, बड़े बड़े नेताओं को हराते हुए देरी नहीं लगेगी।